समाज सुधारक ज्योतिबा फुले जयंती पर स्वतंत्रता सेनानी कालिदास स्वामी ने मरीजों को किया फल वितरित। रिंगस कस्बे के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में मंगलवार को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के उपलक्ष्य पर स्वतंत्रता सेनानी कालिदास स्वामी ने अस्पताल परिसर के वार्ड में वह भर्ती मरीजों को अस्पताल परिसर में आए सभी मरीजों को फल वितरित किए गए। स्वतंत्रता सेनानी कालिदास स्वामी ने बताया कि देश के महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले ने गरीब महिलाओं व दलित महिलाओं एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। फुले ने भारतीय समाज के में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए लड़ते रहे। स्वतंत्रता सेनानी कालिदास स्वामी ने कहा कि आज मरीजों की सेवा करने का पुण्य प्राप्त हुआ है। इस दौरान नगर पालिका उपाध्यक्ष अमित शर्मा, सीएससी प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता, अमित जाटावत, आरपी वर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। तो महात्मा ज्योतिबा फुले जो गरीबों के जो है भोज हो सकते और महात्मा की उपाधि उनको दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी उनको, और गरीबों का जो है भोज हुआ करते थे। और उन्होंने जो है आज़ादी के पूर्व में गरीबों को अनुसूचित जाति और कुछ उठाने का शिक्षा का बहुत प्रचार किया, और उनके जो है घरवाली थी उनकी, और संतोष ज्योतिबा भाई फुले उन्होंने भी शिक्षा का, पहली शिक्षिका थी वो देश में, जो हिंदुस्तान में जो शिक्षिका बनी है, अध्यापिका बनी है, उन सबसे पहली शिक्षिका ज्योतिबा भाई फुले थी जिन्होंने शिक्षा का काम किया था। आज उनका 196वां जन्म वो है जयंती है, उसके उपलक्ष्य में ये जो है अस्पताल में भर्ती हैं सभी लोगों को पार्ट का निर्णय किया गया है। उसमें जो है हम लोग साथ में हैं, और हमारे जो है छात्र संघ के जो है अध्यक्ष हैं कि अमित जी राठौर साहब, वो भी मौजूद हैं और आपके सामने हैं, तो उनको जो है अपने यहाँ के अस्पताल में जो भी जीती हैं आए हुए गरीब आए हुए हैं या वो जो है दवा लेने वाले हैं उनको फल पुरुष कृपा दिया जाए, उनको ज्योतिबा भाई की जयंती के अवसर पर।